पेन नहीं पता है? पेन कहाँ है मेरे पास? उसको लिख दिया हो ना? पेन आप ही लिए थे। क्या करती तो? बताओ ना, बाल कर्ल कर लो पीछे से नीचे से ऐसी रखूं। तुम्हें तो स्ट्रेट ही थी ना सर? मेरे तो बाल ही नहीं है इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ता। हाँ आओ आओ ना। You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want. Let you walk in on my heart if you want to. You can ask anything. Welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? Hope you're doing great. तो आज मैं बहुत दिन बाद इस तरीके से बैठ करके आज मेकअप करने वाली हूँ और आप लोग के साथ गेट रेडी विथ मी शेयर करूँगी और साथ ही साथ चिट चैट करूँगी। और इस तरीके से मेरे को लगता है ना, चिट चैट करने से इंटरेक्शन अच्छा होता है ऑडियंस के साथ। साथ ही साथ जल्दी जल्दी करना है क्योंकि अभी मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटू का बर्थडे है, एनी का आज फर्स्ट बर्थडे पार्टी। इसीलिए जल्दी जल्दी फटाफट तैयार होते हैं क्योंकि निकलना भी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। और ये जो वीडियो बनाते हैं ना, तो इस टाइम पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है मेकअप करने में। ये बातें करने के चक्कर में मैंने पंखा बंद करके रखा हुआ है और इस रूम में अभी एसी नहीं है, तो थोड़ा सा अभी मेरे को ना पसीना सा आ रहा है। होगा ना तो मैं पंखा चालू कर दूंगी क्योंकि मैं बहुत स्वेटी स्वेटी सा हो रहा है यहाँ। और तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पंखा चालू, तो मैं यहाँ पे अभी सबसे पहले सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। ये है डॉट एंड की का सनस्क्रीन। मुझे पता है रात हो जाएगा, बट स्टिल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्श लाइट होते हैं, तो इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए। You say it's hard to tell. Just apply हो गया है and मैंने contact lens apply कर दी है। मैं ये illuminating cream apply कर रही हूँ। Behind my smile, I'll say. ये as a primer भी काम करेगा। आप लोगों को बता दूँ, मैं आज अपने खुद के घर में बैठ के आज वीडियो शूट कर रही हूँ और इससे बड़ी खुशी। एक्चुअली मैंने ये घर बहुत समय पहले लिया था, मीन्स 5 साल पहले मैंने इस घर को लिया था, बट बनते बनते ये इतना ज़्यादा टाइम लगा ना कि अब जाके मैं इस घर में शिफ्ट हो रही हूँ। मैंने पेशेंस रखा था कि नए घर में शिफ्ट करूँगी, बहुत फाइनली आज मैं अपने घर पर बैठी हुई हूँ। साथ ही साथ आज मेरा बच्चा जो है 1 साल का हो गया है, मतलब डबल खुशी एक साथ, इमेजिन नहीं कर सकती मैं आज कितना खुश हूँ। मैं यहाँ पे मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन लिया है, स्पंज ले करके मैं इसको डैब ऑन करूँगी। अभी मुझे पता नहीं है कि ये मेकअप कैसा टर्न आउट होगा, बट या मतलब आप लोग को अब जो है नया नया वीडियो देखने को मिलेगा। मेकअप के अलावा भी लोगों को काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे क्योंकि मेरे को अभी घर को पूरा अरेंज करना है, उसका वीडियो भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं खरीदूंगी तो शायद आप लोग को हॉल वीडियो भी शायद देखने को मिले। तो यहाँ बने रहना मेरे साथ। अभी तो दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग चल रहे हैं कि अभी मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, तो अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। एक्चुअली मैंने आज का ये भी सोचा था कि मैं व्लॉग शूट करूँगी, बट थोड़ा सा चीज़ें इतनी ज़्यादा बिजी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है व्लॉग शूट करना। थोड़ा देर पहले मैं गई थी, हॉल गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड सब गए थे हम लोग देखने के लिए वहाँ पे क्या क्या अभी अरेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। वहाँ पे अरेंजमेंट्स तो हो रहे थे अभी, मतलब थोड़ा बहुत ही अभी, लेकिन वहाँ का मैं वीडियो नहीं ले पाई, भूल गई वहाँ पर जा कर के, बिज़ी हो गई फिर भूल गई कि मेरे को वहाँ का शूट भी करना है। तो इसी तरीके से ना, और थोड़ी सी मैं नई नई भी हूँ ना इस चीज़ में, तो थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को वीडियो शूट करना है कि क्या करना है। जब मैं वहाँ से निकल आऊँगी ना, तब मेरे को रियलाइज़ होगा। थोड़ा सा और ले रही हूँ यहाँ पर फाउंडेशन। लेट काफ़ी हो गया है और जल्दी जल्दी मेरे को शूट करना है, तो फिर बात करने के चक्कर में ना मैं लेट ही हो जाऊँगी। तो लग रहा है थोड़ा सा और अप्लाई करना चाहिए। व्लॉग वीडियोस में देखने को मिल जाएगा कब शिफ्ट हो रही हूँ, कैसे शिफ्ट हो रही हूँ, सारी चीज़ों का मैंने व्लॉग बनाया है। प्लानिंग ये था कि हम 1 तारीख तक जो है अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे और 6 तारीख से मतलब हमारा फंक्शन चालू हो जाएगा, क्योंकि 6 तारीख को मेरा बेटू का बर्थडे था और हमने फिनेज में हम लोगों ने प्लान करा था कि हमें वहाँ पर सेलिब्रेट करना है। तो उससे पहले हमें था कि हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जैसा आप सोच के रखते हो वैसा कुछ हो नहीं पाता है। बट स्टिल कोई बात नहीं, फिर होता है, दुरुस्त होता है,
तो हमने मतलब एक तारीख का था कि हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बट ये हम 4 तारीख को यहाँ शिफ्ट हुए क्योंकि मेरे हस्बैंड रहते नहीं हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं अकेले कोई भी चीज़ें करूँ, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो तो मेरे को अपने हस्बैंड के साथ ही करना पड़ेगा। मतलब अपार्टमेंट में ना अभी शिफ्ट नहीं है तो मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चीज़ें लाने, मतलब ऊपर लाने में हैवी चीज़ें मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, और गाड़ी जो है वही ड्राइव करते हैं और हम लोग जो सामान है वो गाड़ी से ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरे को वेट करना पड़े अपने हस्बैंड का कि वो आएंगे और हम लोग शिफ्ट होएंगे। और चीज़ें इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई, मतलब आपको 4 तारीख को शिफ्ट होना है, तारीख को बस एक दिन था, उसी में हम लोग को जल्दी जल्दी जो भी अरेंजमेंट करने थे। अब जो है कंसीलर अप्लाई करूँगी तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ कलर बार का कंसीलर। जो मैं कंसैडो अप्लाई करूं वो अच्छे से उभर के आए। इसमें थोड़ा सा ख़त्म सा भी होने लगा है। सबसे पहले हमारा यही था ना कि हम लोग सबसे पहले किचन के सारे आइटम्स ले लें, क्योंकि लोग आएंगे तो सबसे पहले खाना का इंतज़ाम होना चाहिए, तो इसीलिए हमने जो है किचन पे ज़्यादा फोकस करा था कि किचन आइटम्स हमारे जितने भी राशन पानी ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए, बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे आप कर ही लेते हो। न्यू शिफ्ट करने वाले होते हो ना और आपको लगता है कि आपने अपने घर पे सब कुछ करवा लिया है, बट उसके बावजूद जब आप शिफ्ट होते हो उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं अब बहुत कुछ बचा हुआ है। धीरे धीरे चीज़ें होएगी, नहीं आपको अभी ये भी करना है, नहीं अभी ये भी बचा हुआ है, अभी तो ये भी लेना है, इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है जब आप घर पे आ जाते हो। तो बाहर आपको लगेगा कि सब मेरा घर तो रेडी हो चुका है, अब तो मेरे को शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन रहने के बाद ही पता चलता है कि अभी बहुत सारी कमियां अभी बची हुई है, कि अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। नेक पे मैंने लगा लिया है, नेक हमेशा मेरा छूट जाता है, तो मैं भूल जाती हूँ कि नेक पे भी अप्लाई करना होता है, ऐसे भूलना नहीं चाहिए राइट। मैं तो सारी चीज़ें अलग अलग लगेगी और आप लोग मेरे को कमेंट भी करते हो कि तुम्हारा शक्ल अलग लग रहा है और नेक का कलर अलग लग रहा है। हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि आप ये रिंग लाइट यूज़ करते हो और रिंग लाइट कभी आपके कुछ ज़्यादा ही फोकस कर देता है, क्योंकि अपने को इतनी सेटिंग समझ में नहीं आती है, इसीलिए कभी क्या होता है ना कि रिंग लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, कभी डल हो जाता है, तो इसीलिए फेस समझ में नहीं आता है। जैसे जब आप मिरर देखते रहते हो ना तो आपको सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब आप रिंग लाइट यूज़ करते हो या फिर कोई लाइट यूज़ करते हो तब आपको जाके समझ में आता है कि कैमरा कुछ और ही कैप्चर करता है, ये हो जाता है, तो इसीलिए। और आप लोग मेरे को सब कमेंट करते हो और पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हो कि निशान अलग ले लिया, तुमने ये अलग ले लिया, इसलिए मैंने अभी जो है आप लोग के एडवाइस के हिसाब से मैंने फाउंडेशन का शेड भी चेंज किया है, थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया है इस चीज़ पे। धीरे धीरे लोग एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखते हैं यार, ठीक है। अभी मैंने अभी मैं घुसी हूँ उसमें तो इतना मेरे को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं कोई यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं मतलब मेरे को अच्छा लगता है मेकअप करना, इसीलिए मैं मेकअप करती हूँ, और साथ ही साथ यूट्यूब करना अच्छा लगता है इसीलिए मैं करती हूँ। मैं अपने टॉपिक से भटक जा रही हूँ। तो आज है बेटू का बर्थडे और हमारा 7 बजे का प्लानिंग है कि हमें 7 बजे तक फंक्शन स्टार्ट कर देना है। उससे पहले हमें है कि हम पहले जाएँ सो दैट कि बच्चे का फ़ोटो शूट हो पाए वहाँ पे, तो इसीलिए हमारा ये है कि हम थोड़ा पहले निकलेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ये फिटमी का कि ये अच्छे से बैठ जाए फाउंडेशन पाउडर है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है फिटमी का लूज़ पाउडर, मैं हमेशा यही यूज़ किया करती हूँ। डे टू डे लाइफ में भी मैं इसको यही यूज़ करती हूँ, मतलब ऑफिस जाना हो या कहीं भी जाना हो ना तो मैं यही यूज़ करती हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा ये पसंद है। ओके हो गया मेरा ये, मैं डिसाइड नहीं किया है कि मेरे को कौन सा लुक करना है। यहाँ पे अप्लाई करूँगी ये दोनों शेड, मैं यूज़ करूँगी, मैं पूरे इसको आईज़ में अपने अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। लोग ध्यान दे रहे होंगे मेरे को आइस के पास ना एंथेलाज्मा सा हो गया है, अगर आप लोग को इसका पता है कि ये कैसे रिड ऑफ होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ, और मैं इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो अगर हो सके तो प्लीज़ आप लोग मेरे को सजेस्ट करो कि ये कैसे सही होगा। मैंने बहुत नेट वेट में सर्च किया लेकिन इसका कोई सल्यूशन नहीं दिख रहा है यार, मतलब सीधे सर्जरी दिखाता है या फिर ऐसे रिमूवल दिखाता है, बट मेरे को ना मतलब मैंने करवाया भी है लेकिन उसके बावजूद ये ठीक नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि क्या करना चाहिए। और ये दोनों मैं मिला ले रही हूँ यहाँ पे, ये और ये मिलाऊंगी और इसे एज अ ट्रांजिशन शेड मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है अप्लाई करूँगी। तो मेरे
मेरे को पता नहीं है कि मैं अपने बालों का क्या करूँ। फिलहाल तो मैंने इस तरीके से कर्ल कर लिया है और मेरे सर पे बाल नहीं है ना, इसलिए मेरे को बहुत सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूँ अपने बालों का, कौन सा हेयर स्टाइल करूँ कि वो ठीक लगे। तो इसीलिए फाइनली लास्ट में मेरे को कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो मेरे को इस तरीके से कर्ल करने पड़ते हैं, थोड़ा सा बालों में वॉल्यूम लगे। आपको ना पंखे का आवाज़ भी आएगा इसमें क्योंकि कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और इस रूम में एसी नहीं है तो मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए खुद ने तो कोई फ़ायदा नहीं है मेकअप करने का, सब मेल्ट होके सब निकल आएगा। अब जंथलाज्मा को मुझे छुपाना भी पड़ता है यार, हद हो गया। सो ये हो गया मेरा, मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड अप्लाई किया है, थोड़ा सा सोचा है कि ब्राउन स्मोकी आई करने के लिए क्योंकि सबसे ईजी वही होता है और सही भी लगता है। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक शेड अप्लाई करूँगी। मेरे को ना कमेंट डाउन करना कि मैं किस किस चीज़ों से रिलेटेड वीडियो बनाऊं ताकि मुझे समझ में आए कि क्या बनाना चाहिए वीडियो में। तो ये सोचा है कि मैं मेकअप का भी वीडियो करूंगी, साथ ही साथ मैं अपने घर हो गए हैं तो मैं अब घर से रिलेटेड भी चीज़ें मैं क्या करूंगी, मैं DIYs करूंगी या फिर इसको कैसे अरेंज कर रही हूँ, ये सारी चीज़ों पे भी मैं वीडियो करूंगी क्योंकि ये सब चीज़ें करना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद। ब्रश ले करके मैंने नीचे भी अप्लाई कर लिया है तो फिर आधा अधूरा लगेगा ये, इसीलिए ये सोचा था कि अगर मेरा खुद का बाल में से बन नहीं पाएगा ना तो मैं, बगल में हमारा पार्लर पड़ता है, मैं वहाँ पे बात करके आई थी कि चार्ज करते हैं तो मैंने वहाँ पे बात किया था, लेकिन बाहर इतना तेज़ बारिश हो रहा है ना तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अगर पॉसिबल होगा तो मैं खुद से कर लूँगी अगर ठीक लगा तो, और नहीं इतना टेंशन होता है ना कि जब आप जून जुलाई में कोई फंक्शन करते रहते हैं ना कि कहीं बारिश ना हो जाए, उसी तरीके का टेंशन मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बारिश हो जाएगा तो सब चौपट हो जाएगा। आप इतने ज़्यादा पैसे लगा देते हो प्रोग्राम में, फंक्शन में, और उसके बाद चीज़ें अगर बर्बाद हो जाएगी, लोग नहीं आएंगे या चीज़ें ऐसा कुछ होता है ना, तो इस चीज़ का टेंशन बहुत होता है कि यार बारिश ना हो जाए। इसलिए मैं तब से यही बना रही हूँ कि यार खुदा बारिश ना हो। अभी ये हो गया मेरा आई लुक। फेसेस इन कैनेडा का ब्लश मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश ना थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा डार्क वाला ब्लश अभी अप्लाई करूँगी ताकि दिखे, रात वाला फंक्शन है तो दिखना चाहिए यार। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर मास्टर एंड क्रोम का अपने सारे फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से। ऑफ द नोज पे भी मुझे ना वो चमके लगे कि हाँ भाई खड़ा खड़ा नाक है आपका। क्यूपिड बोन्स पे भी अभी जो है आईब्रो कर लेती हूँ। अभी ये छोटा हो गया, इसका पीछे वाला पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तो मैं का आईब्रो पेंसिल ज़्यादा, आपको आईब्रो जो है ना बस भरना होता है, उसको ज़्यादा ड्रॉ नहीं करना होता है वरना वो नेचुरल नहीं लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ उसको फिलअप कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग को रेडी होने के बाद जो है केक लाने भी जाना है, उसका भी टेंशन अपने को ही है क्योंकि हमारे घर में ना कोई कार ड्राइव नहीं करता, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही ड्राइव करते हैं और कोई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए इन्हीं को ही जाना पड़ेगा केक लाने के लिए भी, तो साथ ही साथ मैं भी जाऊंगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतने दिन थी कहाँ, मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं शूट कर रही थी। एक्चुअली मेरे शादी के काफ़ी साल हो गए हैं तो मुझे बेबी नहीं हो रहा था, तो इसी चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन रहता था, तो इसीलिए मैंने बीच में ये सारी चीज़ें रोक दिया। मतलब मेरा फोकस उसके बाद जो है बिल्कुल ही एक तरफ हो गया कि मेरे को मतलब क्या करना है, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही छोड़ दिया। और मेरे घर वाले भी थोड़ा सा मुझे कहा करते थे कि ये सब चीज़ें मत किया करो, पहले एक चीज़ पे ध्यान दिया करो, ऐसी ऐसी बातें मेरे को कहा करते थे, इसीलिए मैंने उन लोगों का बात माना कि शायद वो कुछ कह रहे हैं तो मेरे भले के लिए कह रहे होंगे, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दिया। क्योंकि आपको पता है कि जब आप YouTube करते रहते हो ना तो आपका पूरा ध्यान जो है
इस पे रहता है कि आपको ये करना है, आपको ये काम करना है। और साथ ही साथ मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, सो मेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था कि मैं वहाँ पे हॉस्पिटल जाती थी, वहाँ काम करती थी, उसके बाद जो टाइम बचता था मैं घर पे आके फिर वीडियो करती थी। तो मतलब मेरा पूरा टाइम जो है ना, और थोड़ी सी नई नई मैंने वीडियो शुरू किया था बनाना, यूट्यूब करना शुरू करा था, तो थोड़ा सा चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी। इवन अभी भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वीडियो कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब पे वापस आई हूँ, तो वापस ऐसा लगता है कि मैं सारी चीज़ें वापस से नया नया ही शुरू कर रही हूँ एक तरीके से। बट उस टाइम पे भी मेरा शेड्यूल ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, मेरे पास टाइम नहीं बचते थे, मेरे को लगता था मेरा पूरा ध्यान इसी में रहता था कि मेरे को ये करना है करना है, बाकी चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं दे पाती थी। तो मेरे घर वाले मेरे पे बहुत गुस्सा होते थे, और साथ ही साथ थोड़ा सा मेरे को टेंशन भी होता था अपना खुद का पर्सनल लाइफ को लेकर के। सो या तो इसीलिए तो बस यही सारी रीज़न थे कि मतलब मैं जो है वीडियो नहीं कर रही थी। मैं यहाँ पे शुगर का मस्कारा अप्लाई करूँगी। आप लोगों को जानना है कि मैं मतलब क्या चल रहा था मेरे लाइफ में, अगर कुछ ऐसा स्टोरी जानना चाहते हो तो फिर आप लोग मेरे को कमेंट डाउन करो, मैं उस चीज़ पे अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी कि मेरे को बेबी कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरी डिलीवरी स्टोरी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेरे कॉम्प्लिकेशंस में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट डाउन करो, मैं ज़रूर बताऊंगी इस चीज़ के बारे में। फाइनली मेरे को आज एक प्यारी सी क्यूट सी बेबी भी है, मतलब मैं जानी ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितने दिन की शादी के बाद आपको जब बेबी होता है ना, तो वो खुशी कुछ अलग ही खुशी होता है। मतलब मैंने तो एक तरीके से उम्मीद ही छोड़ दिया था कि क्यों नहीं हो रहा है मेरे को बेबी, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे में कुछ कमी है क्या मतलब। और ऊपर से लोग मेरे को इतना सुनाते थे, इतना बोलते थे, हर जहाँ जाओ वहाँ लोग पूछते थे कि यार इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को, तुम बच्चे अभी तक क्यों नहीं कर रही हो, कितना दिन तक मतलब कितने दिन तक तुम लोग बच्चे नहीं करोगे, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को बहुत सुनने को मिलता था मतलब सोसाइटी में। बट या भगवान ने फाइनली मेरी सुन ली, मेरे को प्यारा सा बच्चा दे दिया। मतलब मैं भगवान को हमेशा मतलब इस चीज़ को लेके मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, दिली दिल में इतनी थैंक यू उनको बोलती हूँ ना। अगर ये ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अभी फॉल्स लैश भी मैं अप्लाई करूँगी। हाँ वहाँ लग गया है, इसको मैं जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं इसको हटाऊँगी। तो जब आप मामा बन जाओ ना, तो उसके बाद आपको बहुत सारे काम हो जाते हैं, आपको खुद को तैयार होना ही पड़ता, साथ साथ आपको बच्चे को भी तैयार करने पड़ेंगे। तो इसीलिए अभी एनी को तैयार करना बचा हुआ है, क्योंकि आफ्टर ऑल सबसे अभी तो उसी पे ही चीज़ें फोकस्ड होगी कि उसी को ही आज प्रिंसेस लगना है। मैं ये सोच रही हूँ आईलाइनर अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ, खरीद लेती हूँ। ना कि मैं लिपस्टिक कौन सा अप्लाई करूं, क्योंकि मेरा ड्रेस है वो भी रेड है, और लाइट यूज़ करूं या फिर डार्क, देखती हूं अगर डार्क अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसके ऊपर से लाइट अप्लाई कर लूँगी। ओवर ये हो गया मेरा लिपस्टिक। सोच रही हूँ इसके बीच में मैं लाइट लिपस्टिक अप्लाई कर लूं। मैं वाइट काजल ले रही हूँ, इसको अप्लाई करूँगी अपने वाटर लाइन पे। इससे क्या है ना कि आपके आँख जो है वो बड़े लग। ओके मेकअप मेरा हो चुका है, कॉन्टोर करना तो मैं भूल ही गई, अब कॉन्टोर करना है मेरे को। तो इसी आई शेडो पैलेट में से ब्राउन शेड ले करके इसी से कॉन्टोर करूँ, क्योंकि मेरे पास जो कॉन्टोर था ना वो टूट गया है, तो मेरे को नए कॉन्टोर लेना है। तो फिलहाल मैं इसी से काम चला ले रही हूँ, आप लोग से पूरा रेडी होके मिलती हूँ। सो फाइनली रेडी हो गई हूँ, टुडेज वीडियो। आई होप कि आपका मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।